મેનેજમેન્ટ ડિસ્કશન માટે જોડાઈ રહ્યા છે. આઈટીડી સિમેન્ટેશનના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ જે સેક્ટરની અંદર પ્રોસ્પેક્ટ્સ આગળ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, કેવી રીતના વસ્તુઓ જે સેકન્ડ વેવને લઈને ઇમ્પેક્ટ થતી દેખે છે, આ બધા જ પેરામીટર્સ ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીશું કંપનીના CFO પ્રસાદ પટવર્ધન સાથે. સર, શુક્રિયા મેરે સાથે જુડને કે લિયે, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. સબસે પહેલે શરૂઆતમાં યહીં સે કરના ચાહી થી, ક્યા નોર્મલાઇઝેશન વાપસ આતા હુઆ દિખ રહા હૈ? પિછલા એક સાલ તો કાફી ડિસ્ટ્રપ્ટિવ થા અક્રોસ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સેકન્ડ હાફ મેં થોડા પિકઅપ આયા થા, લેકિન અબ જબકિ હમ લોગ સેકન્ડ વેવ કા ભી ઇમ્પેક્ટ દેખ રહે હૈ, આપકે લિયે ચીઝે કૈસી ટર્ન આઉટ હો રહી થી, ઇસી કી એક બેસિક ડિટેલ સે શરૂઆત કરે. गुड आफ्टरनून और थैंक यू मुझे आपके शो में बुलाने के लिए. फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट हमने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा देखा था. उसके बाद थोड़े बहुत चीज़ें जनवरी से नॉर्मलाइज हो रही थी, और फिर अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल के बाद हमने दोबारा सेकेंड वेव का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखा है हमारे प्रोजेक्ट्स में. तो इम्पैक्ट तो रहा है, लास्ट ईयर के जितना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट भी रहा है. और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस जैसे कम होते जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि आगे चल के यहाँ से लेके आगे काफी इम्प्रूवमेंट आएगा हमारे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, ऑर्डर बुक की कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए, किस तरीके से न्यूमेरिकली आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से विजिबिलिटी किस तरीके से वर्कआउट हो रही है. L1 लोएस्ट बिडर्स की अगर बात कर लें, वो कितने हैं पाइपलाइन में, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. एज ऑफ एंड ऑफ मार्च 21 हमारा ऑर्डर बुक करीब 11,750 करोड़ था. इसमें मरीन का रफली 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन मरीन का है, रफली 35% मेट्रो और एयरपोर्ट्स का है. मेन ये दो सेगमेंट है, और हाइड्रो के वगैरह भी प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो और टनलिंग के प्रोजेक्ट्स भी है हमारे ऑर्डर बुक में. अच्छी बात यह है कि सेकेंड वेव का इम्पैक्ट होने के बावजूद इस साल में, यानी अप्रैल 2021 के बाद, हमको नए ऑर्डर्स करीब 1600-1700 करोड़ के नए ऑर्डर्स ये पिछले 2-3 महीने में मिले हैं हमको. तो ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा रहा है, और काफी नए नए प्रोजेक्ट्स अभी टेंडरिंग के लिए भी आ रहे हैं. तो हमें उम्मीद ये है कि आगे चल के ऑर्डर बुक हमारा इसी तरह ग्रो होने की अच्छी संभावना है. ओके, अच्छा, ऑर्डर बुक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसका कुछ बाइफिकेशन आप मेरे साथ शेयर कर पाएं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें मरीन आपका नियरली 33% है, अर्बन इंफ्रा 33% है, और हाइड्रो की और टनल्स की जो आपने बात की वो नियरली 18% फॉर्मेट करता है. क्या इसी रेशियो में ऑर्डर बुक भी है? अभी तो इसी रेशियो में, मैंने जो आपसे ऑर्डर बुक बताया अभी, वो तो मार्च का ऑर्डर बुक बताया. उसके बाद हमको करीब 1600-1700 करोड़ के ऑर्डर्स नए मिले हैं, वो अलग अलग सेगमेंट में मिले हैं. बट मोर ऑर लेस ज्यादा कुछ चेंज उसमें ऑर्डर बुक कॉम्पोजिशन में, थोड़ा बहुत चेंज बदलाव आया है, लेकिन मेजर कोई बदलाव है नहीं ऑर्डर बुक के कॉम्पोजिशन में. जो 11,700 करोड़ का ऑर्डर बुक था मार्च में, वो करीब 1600-1700 करोड़ से बढ़ गया है नए ऑर्डर विंस की वजह से. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक और चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी सर, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर पूरी इंडस्ट्री में देखा गया है, आपके लिए ये कंडीशन क्या थी? और मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे समझना चाह रही थी, पिछले साल को छोड़ देते हैं कोरोना के डिस्ट्रप्शंस की वजह से, उसके पहले के कंपैरिजन में अब तक कितना कमोडिटी कॉस्ट की वजह से जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं, कितना प्रेशर फेस हो रहा है, और अगर हाँ तो रिलेटिवली इसका आउटलुक कैसे बन रहा है? क्या नियर टर्म में आप थोड़ा फ्रिजल आउट होते हुए देख रहे हैं वापस वही लेवल्स पे आते हुए, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे इसकी वजह से? रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे स्टील के वगैरह प्राइसेस है, वो काफी बढ़ गए हैं पिछले 7-8 महीनों में, तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा. हमारे काफी जो करीब 80-90% जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस भी होते हैं, तो कुछ पार्ट ये जो इंक्रीज है रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में जो हुआ है, वो हमको एस्केलेशन के थ्रू मिलेगा. लेकिन पूरा जो कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट जो हम बेयर कर रहे हैं, वो पूरा कवर नहीं होगा उसमें. कुछ हद तक, कुछ प्रोपोर्शन का वो कॉस्ट जो है वो हमको बेयर करना पड़ेगा. अभी हम देख रहे हैं कि इस महीने में या पिछले महीने से थोड़े बहुत स्टील के वगैरह प्राइसेस स्टेबिलाईज हो रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि और इससे ज़्यादा ना बढ़े, और तो उसमें थोड़ा हमको रिलीफ उसमें मिल सकता है. ओके, अग्रीड सर. और तकरीबन कितना इन परसेंटेज टर्म्स बढ़ा है, ये आइडिया अगर आप मुझे दे पाए? परसेंटेज टर्म्स वैसे इंक्रीज बताना मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, उसमें स्टील और सीमेंट और बाकी रॉ मटेरियल का कंपोनेंट भी अलग अलग होता है, तो वो एग्जैक्ट ऐसे बताना मुश्किल होगा.
क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन और स्टार्ट टाइम भी अलग है, तो उसमें रिक्वायरमेंट भी ये रॉ मटेरियल की अलग अलग होती है, तो वो थोड़ा बताना मुश्किल होगा। ओके अग्रीड सर। अच्छा इंडस्ट्री के फ्रंट पे मैं आपसे एक कमेंट और चाह रही थी, क्योंकि एवरेज जिस तरीके से हम लोग ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पर मैं पढ़ भी रही थी कि अब चीज़ें थोड़ी बेटर रिलेटिवली टर्न आउट हो रही है, आपकी तरफ से ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है ये अगर आप मुझे बता पाएं, क्योंकि मैं बाकी के जो एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं आपकी इंडस्ट्री के साथ उससे भी बातचीत कर रही थी, वहाँ से भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स बन रहे थे और चैनल चेक्स भी ये इंडिकेट कर रहे हैं चीज़ें टूवर्ड्स बेटर टर्न आउट हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स की विजिबिलिटी में क्या देखूँ। आई बिलीव जो इंडस्ट्री का एवरेज रन रेट हम लोग देख रहे हैं वो तो यहाँ से पेसअप होगा ही, लेकिन कितना टाइम लैग और लगना चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी थ्रस्ट बन रहा है, एक ओवरऑल इंडस्ट्री की तरफ से आइडिया। वेल शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये सेकेंड वेव कोविड का अगर हम कहें कि हमारे पीछे निकल गया वो, तो हमें उम्मीद है कि ये एक बार ये मानसून का ये जो पीरियड है सितंबर तक वो एक बार निकल जाएगा, उसके बाद हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद रखते हैं। ऑर्डर बुक का भी ऐसा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स पिछली बार बजट में रखे थे, और उसके पहले भी कोविड के पहले भी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का अनाउंसमेंट किया था, वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स और प्लान्स है गवर्नमेंट के, अब वो इम्प्लीमेंट करने हैं, वो अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 2-3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर्स काफ़ी आएंगे, और उससे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है हमारी जैसी और भी है उनको काफ़ी फायदा होगा। ओके अग्रीड सर। अच्छा आपके जो रीसेंट ऑर्डर विंस है उसके ऊपर मैं बातचीत करना चाह रही थी, तकरीबन 585 करोड़ के ऑर्डर आपको नए मिले हैं 2 ऑर्डर्स, और उसका टाइमलाइन क्या है, किस तरीके से मार्जिन पे इम्पैक्ट करेंगे, ये कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाए। टोटल ऑर्डर्स मिले हैं इस साल में अप्रैल से करीब 1600 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, उसमें ये जो ऑर्डर्स है करीब 2 से 3 साल इनका एग्जीक्यूशन पीरियड है, उम्मीद ये है कि जून जुलाई से लेकर 2 से 3 साल में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके अग्रीड सर। अच्छा इन टर्म्स ऑफ डेट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डेट लेवल्स भी आपके काफी कम हुए हैं, वर्किंग कैपिटल की कंडीशन क्या है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। मैं आपको मार्च के नंबर्स बता पाऊंगा, मार्च 21 एज कम्पेयर टू मार्च 20 हमारा डेट करीब 100 करोड़ से हमने रिड्यूस किया था। इस क्वार्टर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ये साइलेंट पीरियड है और अभी हम रिजल्ट कुछ दिनों में अनाउंस करने वाले हैं। तो ओवरऑल डेट का मार्च 21 तक हमने करीब 100 करोड़ से डेट हमारा रिड्यूस किया था, तो डेट लेवल काफी कम्फर्टेबल थे हमारे मार्च 1 तक। ओके मतलब FY22 की विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख भी रही है, डेट के फ्रंट पर भी यहाँ से हम लोग इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, और साथ ही सेगमेंटली भी यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। अग्रीड सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स के दौरान हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर तो बातचीत करेंगे लेकिन इन डिटेल कर पाएँ। थैंक यू सर।